गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल शुक्रवार 2024 श्री सुसंवत 2081 सक्संवत 1946 वैशाख महीना अंधेरा पाक दूज तिथि। सूर्य मेष राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र रात में 2:28 तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार दही। कहने का मतलब यह है आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तब आपको क्या करना है? आज अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप दही खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न कर। क्यों? जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो या फिर शुभ कार्य हो, ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर गुणिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिएगा। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, आप चिंता मत करिएगा। क्यों? हम आपको रास्ता बताएंगे। देखो भाई, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि प्रमोद कुमार, प्रेम चोपड़ा। अब आप क्या करेंगे? तो भाई प्रा को आप पास देखें। कहने का मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा भी होता है और ज्ञा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते हैं, जैसे ज्ञानवती, ज्ञान सिंह। अब आप क्या करेंगे? भाई ज्ञा को आप गा से देखिए। कहने का मतलब ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता और त्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिलोकी। अब आप क्या करेंगे? भाई त्रा को आप ता से देखिए। कहने का मतलब त्रा को आप तुला राशि में देखिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्त्रा भी होता है और स्त्रा से भी बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि श्री चंद, श्री देवी। अब आपको क्या करना है? भाई स्त्रा को आप सस देखें। कहने का तात्पर्य यह है स्त्रा को आप कुंभ राशि में देखें, ठीक है ना? अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस,
यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आयु को हान पहुंचने की योग है, बुजुर्गों की शक्ति को भी नुकसान पहुंचेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी हान होने की शंका है, परिवार का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे। विशेष उपाय, हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जला। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज सावधान रहने की आवश्यकता है। पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, भाई बहन में मतभेद होने की भी योग है। दिमागी टेंशन बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विशेष उपाय, माता लक्ष्मी की सेवा करिएगा। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज शत्रुओं से सावधान रहिएगा, दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, अनावश्यक धन बर्बाद होगा, परिवार से भी कुछ दिक्कत पैदा होगी, परंतु बाहरी स्थानों से मदद मिलने के योग दिख रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा। विशेष उपाय, गाय को हरा चारा खिलाइएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए, संतान को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, दिमागी टेंशन बढ़ने के भी चांस है, परंतु धन का लाभ होगा। विशेष उपाय, नहाने के बाद बाथरूम को गंदा बिल्कुल मत छोड़े। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में परेशानी आने के योग दिख रहे हैं, खर्चा बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, परंतु सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है। विशेष उपाय, प्रातः सूर्य भगवान को यानी प्रातः उगते हुए सूर्य को प्रणाम कीजिएगा। कन्या यानी वर्गो, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज कामों में बाधा आने के योग दिखाई दे रहे हैं, आमदनी मंदी रहेगी, भाई बहन में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, पति पत्नी में आपस में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, घर में लगे हुए पेड़ पौधों में आप सिंचाई करिएगा। लिब्रा यानी तुला, तुला लग्न राशि के जातकों, आज सरकारी काम में बाधा आने के योग दिख रहे हैं, पिता को कष्ट मिलने के चांस है, रखी हुई पूंजी खर्च होगी, आयु में वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति को लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, छोटी छोटी कन्याओं को मखाने की खीर खिलाएं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, बदनामी मिलने के योग बन रहे हैं, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। विशेष उपाय, बजरंग बाण का पाठ करिएगा। सजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज बुजुर्गों की शक्ति को हानि पहुंचेगी, आयु को नुकसान पहुंचने के योग दिख रहे हैं, पैसे की दिक्कत आएगी, परंतु कंपटीशन में विजय आपकी होगी, दुश्मन आपके आगे परास्त होगा। विशेष उपाय, विष्णु भगवान को बेसन के लड्डू अर्पित करिए। कभिकार यानी मकर, मकर लग्न राशि के जातकों, आज आमदनी कम होगी, पति पत्नी में मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, रोजगार मंदा रहेगा, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा, विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा दिन। विशेष उपाय, काले तिल का दान करिएगा। एक्वेरियस
यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों आज सरकारी कामों में बाधा आने के योग दिख रहे हैं। पिता को कष्ट मिलने के योग बन रहे हैं, चिंता बढ़ेगी, परंतु माता का सहयोग प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, गरीबों की मदद करिएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज आपके भाग में बाधा पड़ेगी। संतान से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपयश मिलने के चांस हैं। दिमागी टेंशन बढ़ने के योग दिख रहे हैं, परंतु भाई बहन का आपस में सहयोग मिलेगा। कठिन परिश्रम से सफलता मिलने के योग है। विशेष उपाय, गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपने लग्न नहीं जा पता है तो हमसे संपर्क करके निःशुल्क अपने लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष के अंक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। आवश्यक सूचना, अष्टरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, तांत्रिक अनुष्ठान, संतान प्राप्ति आदि के लिए मोबाइल नंबर 9807225523, व्हाट्सएप नंबर 9807225523 पर कॉल द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने, पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता दी।